ऊपर से देख रहा है, कुछ ब्लैक। लास्ट जोन, लास्ट एक ही बंदा जिंदा है भाई साहब, फायर कर रहे हैं, फिर से ब्लैक। 78 का लगा, बहुत ही बढ़िया। रश करेंगे शॉट गन लेके, एक शॉट, ओहो मार रहा, फिर से एक छोटा सा कवर, बहुत ही बढ़िया। एक शॉट, छोटा सा कवर, लास्ट बंदा, ओ ओपी वाला हेडशॉट एंड बुया, बहुत हार्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पण गेमिंग, वेलकम टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड। तो आज की वीडियो में 3 प्रो टिप्स देंगे परफेक्ट डैक हेडशॉट मारने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर नया हो ज़रूर सभी मेरे भाई एक साथ सब्सक्राइब कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ड्रैग हेडशॉट के बारे में। तो ड्रैग हेडशॉट 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है जो होता है क्लोज रेंज का ड्रैग हेडशॉट, नो स्कोप MP40 शॉटगन M887 से मारा जाता है। सेकंड होता है 2F स्कोप मिड रेंज या स्कार M4N से जो ड्रैग लेते हैं 178 से, वो है। और लास्ट पे लॉन्ग रेंज 4X या 2X से लिया जाता है। तो ये तीनों ही फ्री फायर में ड्रैग हेडशॉट है। तो यही कैसे आप परफेक्ट कर पाओगे वो भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर देना, चलो बताते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे क्लोज रेंज की ड्रैग हेडशॉट के बारे में। तो क्लोज रेंज पे हम MP40 M1887 दोनों का ड्रैग हेडशॉट बताएंगे। तो MP40 का पहले बता दें, तो MP40 में ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए आपको क्या करना है। फर्स्ट नंबर है आपको जो MP40 है उसको फायर बटन को प्रेस करना है। सेकेंड नंबर आपको स्वाइप अप करना है। किस तरफ स्वाइप करना है, जिस तरफ एनिमी हो, जैसे मैं मार रहा हूँ उस तरफ आपको स्वाइप अप करना है, जिस तरफ एनिमी दौड़ रहा हो, एनिमी जिस तरफ मूवमेंट करता है उस तरफ आपको स्वाइप अप करना है। थर्ड नंबर स्टेप है कि कैसे स्वाइप अप करना है, कौन से डिग्री में, 120 डिग्री में आपको स्वाइप अप करना है, 90 डिग्री एकदम ऊपर नहीं तो उठा देना है, जिस तरफ एनिमी जा रही हो उस तरफ आपको, आपको 120 डिग्री आपको दिख रहा है, मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, उस 120 डिग्री में आपको ड्रैग लेके जाना है, तभी आपका परफेक्ट ड्रैग हेडशॉट लगेगा। तो तीनों स्टेप ये MP40 का काम करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शॉटगन मतलब M1887 का ड्रैग हेडशॉट, जिसको वन टैप भी बोलते हैं। तो अब बताएंगे M1887 का ड्रैग हेडशॉट के बारे में। तो M1887 का ड्रैग हेडशॉट बहुत ही सिंपल है। आपको बस M1887 जब आपके पास हो, जब एनिमी सामने हो, बस आपको एक छोटा सा जंप करना है। जंप करने के साथ साथ आपको फायर बटन प्रेस करना है एंड ड्रैग उस तरफ लेना है जिस तरफ एनिमी हो, मतलब आपको 120 डिग्री इस्तेमाल करना होगा एंड उस तरफ स्वाइप अप करना होगा जिस तरफ एनिमी हो। बट यहाँ पर स्टेप आपका पहले जंप होता है, स्लाइडली जंप करना होता है, उसके बाद फायर बटन, उसके बाद 120 डिग्री मारना है, तभी आपको ड्रैग लगेगा जैसे मैं मार रहा हूँ। तो ये रहा फर्स्ट नंबर जो अब मैंने बताया कैसे आप क्लोज रेंज पे परफेक्ट ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो, मैंने बता दिया। तो आप मिड रेंज की तरफ बढ़ते हैं जो है सेकेंड नंबर टिप। तो सेकेंड नंबर टिप बताने से पहले मैं एक चीज़ आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्रॉच क्यों करा जाते हैं। क्रॉच एक मेन चीज़ है ड्रैग का। क्रॉच मतलब आप सभी मेरे भाई, मैं भी डिफॉल्ट पे खेलता हूँ, आप भी बहुत सारे बंदे डिफॉल्ट पे खेलते हो। तो डिफॉल्ट पे जो लोग खेलते हैं उसका एम बॉडी के मिडिल पे जाता है, आप देखोगे ना उसका एम, हर एक गन का एम बॉडी के मिडिल पे जाता है। तो जब हम क्रॉच करते हैं एंड उठते हैं तो एम ऊपर चला जाता है, तो इसके लिए हम क्रॉच करते हैं। तो ड्रैग हेडशॉट के लिए क्रॉच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ड्रैग हेडशॉट में क्रॉच आप यूज़ कर सकते हो, क्रॉच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब बॉडी पे एम जा रहे हो आप क्रॉच करके मारो, एम हेड पे जाएगा ही जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो इससे हम इजीली ड्रैग मार सकते हैं क्रॉच करने के साथ साथ, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर क्रॉच कर रहा हूँ। तो आप चलते हैं मिड रेंज ड्रैग हेडशॉट में जाते हैं। तो सेकेंड नंबर पे हम बताएंगे मिड रेंज ड्रैग हेडशॉट के बारे में। तो मिड रेंज ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्कार, M4N, XM8, ये तीनों ही बेस्ट है मिड रेंज ड्रैग हेडशॉट के लिए। तो साइलेंसर बहुत ही अच्छा है इन तीनों में साइलेंसर हो। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर स्टेप आपको फायर करना है, सेकेंड नंबर स्टेप आपको क्रॉच उठ के फायर करना है, थर्ड नंबर स्टेप ड्रैग लेना है एंड फोर्थ नंबर स्टेप जिस तरफ एनिमी आपको उस तरफ आपको एम लेके जाना है। तो क्रॉच में यहाँ पर ऐड किया, तो क्रॉच क्यों ऐड किया मैं बताता हूँ। मैं कुछ देर पहले ही बताया था क्रॉच में क्यों कर रहा हूँ। हर एक यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जब क्रॉच कर रहा हूँ मेरा एम ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्रॉच करने से आपका जो एम बॉडी पे लगता है ना, आप जितना भी बार क्रॉच करोगे आपको देखोगे एम हिलेगा, मतलब क्रॉच करने से आपका एम चेंज हो जाता है, इसीलिए बंदे क्रॉच करते हैं। एक बार एम आप बॉडी पे हो जाए ना आप ड्रैग नहीं मार सकते, बॉडी के मीट पे मतलब आपका जो डिफॉल्ट एम होता है वो बॉडी के मिडिल पे जाता है, तो उसको हम एम उठाते हैं तो हेड लगता है।
तो इसीलिए हम क्रॉच करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है फायर बटन क्रेस करो, सेकंड नंबर है क्रॉच करो, एंड उसके बाद थर्ड नंबर है स्वाइप अप करो, मतलब ड्रैग मारो जिस तरफ एनिमी हो, एंड फोर्थ नंबर है कि 120 डिग्री आपको मारना है। जब भी आपको हेडशॉट मारे 120 डिग्री आपको फायर बटन को लेके जाना है, तभी आप इजीली ड्रैग मार पाओगे। आपको फायर बटन को 120 डिग्री लेके जाओगे तभी आप इजीली ड्रैग हेडशॉट मार पाओगे, नहीं तो मारना मुश्किल हो जाएगा। सीधा ऊपर चले जाओगे तो हेडशॉट नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 120 डिग्री ले जाना है जिस तरफ एनिमी जा रही हो। तो ये बता दिया कि कैसे आप मिड रेंज पे ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। तो उसके बाद हम बताएंगे लॉन्ग रेंज ड्रैग हेडशॉट के बारे में। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है ड्रैग हेडशॉट, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप ऐसे स्कार लेके इजीली ड्रैग मार पाओगे मेरी तरह, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, और जब भी आप खेल रहे हो, यहाँ पर जो हमारा कस्टम मोड है, मतलब ट्रेनिंग मोड है, ये प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि वहाँ पर आप एनिमी को मार सकते हो। तो यहाँ पर आके सभी प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव ज़रूर कर पाओगे, और क्रॉच इंपॉर्टेंट है ड्रैग हेडशॉट के लिए। तो अब बताते हैं थर्ड नंबर जो होता है लॉन्ग रेंज ड्रैग हेडशॉट। तो सबसे इसमें से सबसे टफ है लॉन्ग रेंज ड्रैग हेडशॉट, जो मारना सबसे टफ होता है 2x एंड 4x पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को एक एनिमी मार रहा है पीछे से, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर लिया, और एनिमी वहाँ पर देख रहा है, इमोट भी दे रहा है, बहुत ही अच्छा है, और मेरा बहुत डैमेज खा लिया। और जब भी आप देख रहे हो एनिमी आपके ऊपर एक लोकेशन में, उसका कॉम्फर्ट पोजीशन में कभी मत जाओ। मैं लेप पे उसका कॉम्फर्ट पोजीशन में नहीं मारूंगा, क्योंकि एक बार मार लिया वो मेरे को उस तरफ से डैमेज कर लिया, मतलब वो उस तरफ से ही मारेगा। तो मैं हाथ पे ले लिया एक्समेट, एंड वो एनिमी वहाँ पर भी बैठा है, तो मैं थोड़ा लोकेशन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उसके कॉम्फर्ट पोजीशन में मारना नहीं चाहता। और एनिमी यहाँ पर लेप पे ऊपर से मेरा देख रहा है, ठीक है, लेप से एनिमी मेरा ऊपर से देख रहा है, और एंड यहाँ पर मैंने बस बैठा एंड एम किया एंड ड्रैग लिया पूरा हेडशॉट। तो ये रहा, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज हेडशॉट। तो ये सबसे बड़ा टफ मारना है। तो इसके टफ क्यों है, क्योंकि ये आपको एनिमी एकदम पूरा नहीं दिखता, आपका एकदम छोटा दिखता है, उस पे ही से आपको मारना पड़ता है। तो ये आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो पहले तो आपको स्कोप खोलना है, मतलब स्कोप खोल के एनिमी की तरफ एम करने फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड नंबर स्टेप है, आपको जितना हो सके 120 डिग्री पे आपको लेके जाना है जिस तरफ एनिमी हो। राइट पे हो तो राइट पे 120 डिग्री पे एकदम आपका ड्रैग ऊपर लेके जाना है हाथ को, एंड लेफ्ट पे हो तो लेफ्ट पे 120 डिग्री एकदम ड्रैग लेके जाना है। तो ये रहा सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर है होल्ड करके रखना है, जब आप ड्रैग मार रहे हो 3 से 4 सेकेंड आपका ऐसे ड्रैग करके होल्ड करके रखना है जिस तरफ एनिमी हो, तभी आपको हेडशॉट लगेगा। क्योंकि लॉन्ग रेंज पे ड्रैग लेने में आपको टाइम लगेगा, लॉन्ग रेंज पे आप डायरेक्ट हेड नहीं मार सकते, जैसे इमीडिएटली से मार रहे हो, स्कार से मार रहे हो मिड रेंज पे, ऐसे आप ड्रैग नहीं मार सकते लॉन्ग रेंज पे। लॉन्ग रेंज पे फर्स्ट स्टेप है आपको स्कोप ऑन करना है, सेकेंड है बंदे की तरफ एम करना है, एंड 120 डिग्री की तरफ आपको बस एकदम लेके चले जाना है अपनी फायर बटन को जितना हो सके, एंड वो 3 से 4 सेकेंड तक आपको ऐसे करके रखना है, तभी आपका लॉन्ग रेंज पे ड्रैग लगेगा। इजीली नहीं लगेगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया तीनों ही के बारे में कि कैसे कैसे आपको ड्रैग हेडशॉट मारना है, और लास्ट पे मैं बस होल्ड करने को बोला है कि कैसे आपको होल्ड करके आपको ड्रैग पड़ सकता है। तो तीनों ही मैंने आपको बता दिया, क्लोज रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज। आपको ज़रूर पसंद आए, सभी मेरे भाई वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, और ड्रैग हेडशॉट आप ज़रूर मार पाओगे। तो यहाँ पर मेरे सामने से एक एनिमी जा रहे हैं, ये बहुत ही मेरे को घुमा है इस मैच पे। तो यहाँ पर सामने से जा रहा है, एंड इस तरफ मैंने बस एम किया एंड उस तरफ मैंने घुमा दिया 120 को अपना एम, एंड उसको एक हेड पड़ गया, ठीक है। और लास्ट जोन पे एक दो ही बंदा जिंदा है, पहले इस बंदे को मारेंगे, छोटा सा कवर। तो ये जो गेम प्ले वीडियो आप सभी देख रहे हो, ये गेम प्ले वीडियो देखने के लिए मेरा सेकेंड चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन पे है। ये गेम प्ले मैं कल छोड़ूंगा, बहुत ही धांसू मैच था ये, आपको देख के बहुत ही मज़ा आएगा। तो सेकेंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिख दिया हुआ है सेकेंड चैनल का, वहाँ पर ये गेम प्ले है। यहाँ पर पहले मैं एक ग्लूअल लगाया, उसके साथ साथ मैं रश कर रहा हूँ, एनिमी आ रहा है एंड सही पोजीशन में मैं 120 डिग्री घुमाया एंड फिर से इसका ड्रैग पड़ा, एंड उसके बाद मैं रश कर रहा हूँ, शॉट गन का एक शॉट, फिर से कवर लगाया, फिर से और एक शॉट, मैंने फिर से डिफेंस कवर लगाया, जैसे मैं प्रो टिप बोलता हूँ ऐसे ही लगा रहा हूँ, एक शॉट कवर एंड लास्ट शॉट छोटा सा हेडशॉट पड़ा एंड पूरा बंदा खत्म, एंड इजीली हमने कर लिया रैंक थे भूया। और ये गेम प्ले बहुत ही धांसू था, देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और ड्रैग हेडशॉट भी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल मेरे भाई।